और यहाँ देखिए तो लिखा हुआ क्लाउडी धुंधला टाइप का आ रहा है या क्लियर है? क्लियर है। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ पे बात करना स्टार्ट कर दिए थे, तो आज कंप्लीट नेक्स्ट दो क्लास सिर्फ हम लोग ग्राफ का बात करेंगे, ठीक है। और लेट अस सपोज अगर मैं एक्स मोशन का ग्राफ पे आपको पकड़ बनवा दिया, मतलब तो आप समझ गए, तो सेम तो वाई मोशन के लिए रहेगा और सेम फॉर जेड मोशन, मतलब यहाँ से मोटा मोटी सारा चीज़ हम लोग को क्लियर हो जाएगा। और ग्राफ वाला टॉपिक इसलिए भी हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में देखेगा ग्राफ पे रहता है, अब मेडिकल में तो बहुत रहता है, छोटा छोटा आसान आसान सा ग्राफ, ओके। इसलिए ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि आप देख रहे होंगे जो भी मैं प्रॉब्लम मोटा मोटी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल लेता भी हूँ तो जानबूझ के उसमें फोर्सफुली मैं ग्राफ भी बोलता हूँ ड्रॉ करने के लिए, राइट, ताकि ग्राफ से हम लोग फैमिलियर होते रहें। ऐसा नहीं कि ग्राफ से डर लगना स्टार्ट हो जाए, कुछ है ही नहीं भाई। दस हार्डली आपको 10 टाइप का ग्राफ सीखना है, वही 10 घुमा फिरा के पूछा जाता है, वही मोटा मोटी आता है। अब उसी के चलते हम लोग इतना डर जाते हैं कि ग्राफ का कहीं पर क्वेश्चन आता छोड़ देते हैं, छोड़ने का बात ही नहीं है। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बट उसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल पे होल्ड करना पड़ेगा, मतलब पकड़ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का बात कर रहे थे, करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का बात करते हैं तो ग्राफ से इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या मिल सकता है उसके लिए, तो किसी भी ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है और उस ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या हम लोग से पूछा जा सकता है, इस बात को समझने के लिए हम लोग देखे हैं कि मेरे लिए ग्राफ का कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकली। तो पहला तो एक स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ का, राइट, और एक उस ग्राफ का एरिया, करेक्ट। तो स्लोप का मतलब dx बाई dt, करेक्ट ना, दो ही चीज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है एवरीवन, स्लोप एंड एरिया। तो स्लोप का मतलब dx बाई dt, तो सर आपने dx बाई dt क्यों लिखा था? जनरली जो किसी भी ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सिस पर रहता है उसका हम लोग स्लोप निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्सिस, ओके, दैट्स व्हाई dx बाई dt, और ए है स्लोप। बट फिजिक्स में यही क्या है, वी एक्स, राइट, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मतलब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का स्लोप मेरे काम का है। इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्स, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, एक्स वर्सेस टी इज यूजफुल, राइट, हम लोग के लिए यूजफुल है, काम में आने वाला है, करेक्ट ना। बट एरिया का यहां देखिए, एरिया के लिए ऐसे ही तो करते थे, इसका ज्योमेट्रिकल एक्स इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग था? तो सर एक्स इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाइम विथ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसका मतलब होता है एरिया, किसका एरिया, एक्स वर्सेस टी का, राइट। तो भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, निकाल तो लेंगे न्यूमेरिकली, कभी कभी होता ना मन नहीं लग रहा था, बिना काम का भी कुछ काम करते रहते हैं, नहीं कोई काम है तो कुछ काम लेकर बैठ गए, राइट, वह टाइम पास करना। इसका मतलब है कि कोई पूछा एरिया, इसका एरिया निकाल पाओगे, इसका मीनिंग क्या है, तो आप उसके लिए बोलेंगे एरिया ऑफ एक्स वर्सेस टाइम, इज इट राइट, इसका मतलब समझाएंगे कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, इसको क्या पढ़ेंगे,
तो इसको ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे एरिया ऑफ एक्स वर्सेस टी, मैथ मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट एवरीवन? तो ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग बोल दिए, बट इस एरिया का विथ रेस्पेक्ट टू फिजिक्स क्या मीनिंग है आपके लाइफ में, कोई मीनिंग है? क्योंकि इसका डायमेंशन देखिएगा, तो इस एरिया का डायमेंशन तो मीटर और सेकेंड, मीटर अभी जस्ट आप यूनिट डायमेंशन का कल ही टेस्ट दिए हैं, मीटर और सेकेंड फिजिक्स में क्या होता है, कुछ होता है? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है, एक्स बाई डी टी है या एक्स इंटू डी टी है, एक्स देन इसको मीट क्या मीटर पर सेकेंड बना देंगे, मीटर पर सेकेंड तो ये वाला ए है स्टूडेंट, स्लोप मीटर और नीचे सेकेंड, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मीटर और सेकेंड कुछ फिजिक्स में मिला है कल न्यूटन डायमेंशन में? नहीं मिला है। इसका मतलब है कि फिजिक्स में मीटर पर मीटर सेकेंड इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मेरे काम का नहीं है ये, मेरे लिए यूजलेस हो गया विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? इसका मतलब ओके सर, एक्स वर्सेस टी का स्लोप ही मेरे काम में आएगा फिजिक्स में, इसका एरिया मेरे काम में नहीं आएगा। तो अगर एरिया काम में नहीं आएगा तो मुझसे इसका एरिया पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स में, राइट? कॉमन सेंस की बात है ना भाई, इसका एरिया कुछ फिजिक्स में देगा तभी तो पूछेंगे, क्यों पूछेंगे ऐसे, राइट? तो कहीं पे भी अगर एक्स वर्सेस टी का एरिया पे प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक में मिलेगा तो लेकर आइएगा, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसका स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, ये राइट? ठीक है ना, इसको हटाएं। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कंक्लूजन ए है कि इसका एरिया मेरे लिए बहुत काम का है, एरिया को समझना है, राइट? ठीक है ना एवरीवन, सॉरी स्लोप को ए बी सी तो बताइए ए पे स्लोप क्या है, निगेटिव साइन सिर्फ बताइए, सिर्फ साइन बताइएगा, पॉजिटिव। अब स्लोप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट फिजिक्स में, फिजिक्स में पूरा सुनिएगा, वी एक्स, अब वी एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? ठीक है ना, स्कूल के एग्जाम के लिए काइनेमेटिक्स दो बार पढ़ा दिया गया, एक बार तो आर के सर पढ़ा के निकले हैं, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ फुल एंड फाइनल, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, इसलिए जो भी टॉपिक आर के सर पढ़ाते रहते हैं मेरा काइंड रिक्वेस्ट आप लोग सारे बच्चे से है कि उसी टाइम पे उस चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन सर से पूछ लेना है कि सर एनसीईआरटी करवा दीजिए, ओके? मेरे भरोसे मत रहिए कि हाँ एनसीईआरटी, जब आर के सर को क्लास दे ही दिया हूँ एनसीईआरटी का स्कूल के एग्जाम के लिए, तो मैं बार बार सर को मैं तो नहीं बोलूँगा, सर बोलते हैं कि बच्चे पूछेंगे तो बता देंगे, मुझे तो कोई इशू नहीं है, तो भाई कम से कम उस टाइम पर पूछ तो लेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, करेक्ट? इसलिए तो दो क्लास दे दिए हैं फिजिक्स का स्कूल के एग्जाम के लिए, ताकि बहुत चीज़ें स्मूथ रहे, बिल्कुल बोर्ड का फिजिक्स अलग कर दिए और मैं अपना फिजिक्स अलग कर लिया, राइट?
मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसके बाद तो पक्का बनेगा ही बनेगा, ए टू जेड कहानी करते हुए चलेंगे, फिर तो पूरा रामायण कहानी हो जाएगा। पर तब तक के लिए स्कूल का सिचुएशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, राइट, एक दिन में एक तो एक दिन में एक ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो आप पे तो प्रेशर डेवलप हो गया, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए मैं भी अपना एक साइड में पैरेलल दुनिया लेके चल रहा हूँ, बोर्ड के लिए आर्केस्ट्रा को लगाए हुए हैं, और सर पे मुझे प्रॉपर कॉन्फिडेंस रहता है कि उस एकदम वो भी स्कूल के साथ स्पीड को मिला सकते हैं, ये मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। इसे 2 क्लास दे दिए हैं, बट सर के साथ कम से कॉपरेट कीजिए आप, कम से कम तो जो भी NCERT का क्वेश्चन है उस टाइम पे देख देख कर सर से रिक्वेस्ट कर, सर इसको कॉल कर लेते हैं अभी, क्योंकि मैं तो फिर HC प्रमाण लेकर चलूँगा ही, राइट, इसलिए इतना कॉपरेशन कीजिए। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो भाई ये तो नज़र भी आ रहा था, यहाँ देखिए ए से बी के बीच का अगर बात करते हैं, बिटवीन ए टू बी, तो अब मैं इसको ए टू बी में कहीं भी, किस ए से बी के बीच में कहीं भी देखते हैं, तो ए से बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्चुअली होना भी चाहिए था। ए से बी के बीच में जब जा रहे हैं तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जरा बताइए। तो ज़्यादा हो रहा है, राइट, और भाई एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कब, व्हेन वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, यस। इसका मतलब ये होना भी चाहिए था, जैसा दिख रहा है, ये तो स्लोप का ज्ञान नहीं भी रहता तब भी मैं एक ग्राफ देकर बोलता, ओके, ए से बी के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट, ओके। बी से सी के बीच में स्लोप क्या है, निगेटिव, एक्स वर्सेस टी का स्लोप का मतलब वी एक्स, मतलब वी एक्स निगेटिव, राइट, इसका मतलब पार्टिकल मूविंग अलोंग पार्टिकल मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होना भी चाहिए था। देखिए बी से सी के बीच में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, बी से सी के बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं, स्लोप यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है, तो ये होना भी चाहिए था कि पार्टिकल को निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ बोल रहा हूँ, डायरेक्शन टुवार्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, इज इट कंपल्सरी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब बी से सी के बीच में आ रहे हैं तो देखिए क्या कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा हो रहा है या कम होता जा रहा है, तो देन व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीजेज, व्हेन वी आर मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट, ओके। हो गया ना एवरीवन, ओके, इसको माइनूटली ऑब्जर्व कर लीजिए, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, बी पे क्या रहेगा, स्लोप एट बी एग्जैक्ट बी, इसका मतलब वी एक्स भी 0, राइट, अरे होना भी चाहिए था। यहाँ देखिए ए से बी तक आप किधर जा रहे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ए से बी तक जा रहे थे इस तरफ, अब बी के बाद फिर वापस लौटे हैं, राइट, तो बी पे रेस्ट में आना पड़ेगा ना, तब तो वापस लौटेंगे, करेक्ट, सी तक आने के लिए। इसका मतलब है कि वी एक्स यहाँ पे वी एक्स पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक वी एक्स, यहाँ से यहाँ तक वी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक वी एक्स निगेटिव है, तो अपना साइंस किसके थ्रू चेंज करेगा, कहीं पर 0 होगा तो यहाँ पर 0 हुआ है, राइट,
देखिए एवरीवन, और बोलते रहिए, ए से बी के बीच में जल्दी से बोलिएगा स्लोप क्या, मतलब वी एक्स पॉजिटिव राइट। अब बार बार लिखने बोलने का रिक्वायरमेंट है कि किधर जाएगा, बी से सी के बीच में स्लोप निगेटिव, मतलब वी एक्स निगेटिव, और सी से डी के बीच में पॉजिटिव, वी एक्स पॉजिटिव, और डी से ई के बीच में फास्ट स्लोप निगेटिव, और निगेटिव का मतलब वी एक्स निगेटिव करेक्ट। और स्लोप एट बी, स्लोप एट सी जीरो, और स्लोप एट डी, तो थोड़ा सा तो गुड फील होगा कि सर मैथमेटिकल टूल पढ़े तो कम से इतना तो नॉलेज हो गया, आप देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पे वी एक्स जीरो, यहाँ पे वी एक्स जीरो, यहाँ पे वी एक्स जीरो राइट। तो नहीं लगता है कि ग्राफ बोल रहा है कि कहाँ पे वी एक्स पॉजिटिव, कहाँ पे वी एक्स निगेटिव, और कहाँ पे वी एक्स, कहाँ कहाँ पे वी एक्स जीरो, तो कहाँ कहाँ पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, और किस जोन में पार्टिकल किधर जाते रहेगा राइट। ओके यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं, एवरीवन यहाँ देख लीजिए ठीक है। अब इसको यहाँ से गायब कर दिए, ये जो पार्ट है, ये जो ग्राफ वाला पार्ट है वो किसका पार्ट है सर, एक कॉनकेव आपका ग्राफ का हाफ ऑफ द पार्ट है, कुछ सम ऑफ द पार्ट है राइट। चलिए ये समझ में आ गया है, इसका मतलब ये जो ऐसे एक ऐसा शेप बन रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, देख लीजिए इस ग्राफ को क्या बोलिएगा, कॉनकेव अप, पैराबोला तो बाद में आया बट इट इज कॉनकेव अप इज इट राइट। और इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये बताइए, एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, किसका ऑडियो खराब है, सही सही बोलना है, जिसका भी ऑडियो खराब है वो नेक्स्ट क्लास तक ठीक कर लीजिएगा। ओके अब हो गया, यहां देखिए ये आप इसको ड्रॉ कीजिए फास्ट, ड्रॉ करिए ना एवरीवन, हो गया ए भी एक्स वर्सेस टी राइट, और मान लेते हैं ए भी एक्स वर्सेस टी, कम से कम आप समझ तो पाएंगे कि ये जो यहाँ देखिए, यहाँ भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए से बी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ भी ए से बी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है राइट। एग्री एवरीवन, इसका मतलब है कि बिटवीन ए एंड बी, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट डील कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग भी है, और इन सब का कहीं भी इवन कि वर्क पावर एनर्जी में भी काम में आ जाएगा, कहीं भी काम में आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी सर शायद शुरू किया है ना, तो उसमें एक थ्योरम पढ़ाएंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको बोलते हैं, ये आप लोग नाम सुने हैं कहीं पे था क्या 9th 10th में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये एक थ्योरम है ठीक है, किसी पार्टिकल पे जितना भी फोर्स वर्क करते रहेगा
तो उसकी वजह से पार्टिकल का चेंज, वो सारा वर्क का रिजल्ट उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, जस्ट मैं लिख भी देता हूँ, इसको लिखिएगा नहीं, एक थ्योरम है जिसको हम लोग WET थ्योरम बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मैं पढ़ाऊंगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सर इस पे 10 फोर्स काम करता रहेगा किसी एक पार्टिकल पे, तो किसी एक बॉडी पे, तो 10 फोर्स का रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, उसके चेंज इन काइनेटिक के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, तो इसको कैसा फंक्शन बोलिएगा, इंक्रीजिंग या इसको क्या बोलिएगा, और यहाँ पे हम लोग ए से बी के बीच का बात कर रहे हैं, और यहाँ भी ए से बी के बीच का बात कर रहे हैं, इज इट राइट? यस। तो ए से बी के बीच में जैसे ही आपने बोल दिया इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा ही, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ही होता है स्लोप पॉजिटिव उस डोमेन में, राइट, जिसके बीच में आप बात कर रहे हैं। तो एम इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एम पॉजिटिव, बट साथ में एम बढ़ भी रहा है, करेक्ट, पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रहा है, और इसका मतलब क्या है, एम का मतलब इसमें एक्स वर्सेस टी का ग्राफ में एम का मतलब क्या था, वी एक्स, राइट, फिजिक्स में, तो वी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी है और वी एक्स इंक्रीज भी कर रहा है, राइट, इसका मतलब वी एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं वी एक्स मतलब स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, राइट, और स्पीड इंक्रीज कब करता है एवरीवन, सर स्पीड इंक्रीज करता है इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड, एग्री या डिसएग्री तो हो ही नहीं सकते हैं, यही तो डिफिनेशन दिए थे, इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड स्पीड इंक्रीज है, इन केस ऑफ रिटार्डेशन स्पीड डिक्रीज है, राइट। तो सबसे पहले इस ग्राफ से ये बात बोल सकते हैं स्लोप पॉजिटिव, और साथ में ये बोल सकते हैं, आप ही लोग बोले ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्लोप दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, आपने बोला, ये दूसरी बात है कि मैंने मैथमेटिकल टूल में ऐसा पढ़ाया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन तीन टाइप का होता है, उसके बेसिस पे आपने बहुत सही आंसर दे दिया, तो ए इंक्रीजिंग फंक्शन है विथ इंक्रीजिंग स्लोप, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलने का मतलब स्लोप पॉजिटिव, राइट, और विथ इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब ये मीन जो एम वैल्यू, एम का पॉजिटिव वैल्यू होते हुए एम का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब वी एम बढ़ रहा है, मतलब और एम का मतलब यहाँ पर फिजिक्स में क्या था, वी एक्स, राइट, तो वी एक्स बढ़ रहा था, क्या उसका वी एक्स बढ़ रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, राइट, और भाई मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है इसका मतलब दिस इज एक्सेलरेटेड, राइट, और एक्सेलरेटेड कब होता है चीज़ें ज़रा बता सकते हैं सर, एक्सेलरेटेड तब होता है जब दोनों वी एक्स और ए एक्स दोनों का साइन सेम हो, हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलना है, यस, तो एक्सेलरेटेड है इसका मतलब है कि दोनों का साइन सेम रहेगा, तो वी एक्स का साइन तो मुझे पता ही है, राइट, तो वी एक्स पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे ए एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट ना, कितना बढ़िया बात हो गया, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का नेचर देखकर एक्स का साइन बता दिए, एग्री, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का साइन देखकर हम लोग इसका मतलब आज के बाद किसी भी ग्राफ में एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का नेचर किसी डोमेन में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप मतलब डैम श्योर उस डोमेन में पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहेगा, कंक्लूजन मेरे तरफ से, हाँ या ना, इन द मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा, यहाँ तक अगर समझ जाएंगे तो आगे कंक्लूड करूँगा, इफ इन द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन
विथ इंक्रीजिंग स्लोप इन गिवेन डोमेन देन इन दैट डोमेन पार्टिकल मस्ट बी एक्सलरेटेड राइट. इफ एक्स इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप राइट देन पार्टिकल इज एक्सलरेटेड इन गिवेन डोमेन करेक्ट एवरीवन. चलिए एक ऐसा फंक्शन है भाई फंक्शन तो इंक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है राइट लेकिन ये स्लोप घट रहा है राइट मतलब वी एक्स का वैल्यू कमती हो जा रहा है. पहले 10 मीटर पर सेकंड रहा होगा फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गया फिर 6 मीटर पर सेकंड ऐसे कुछ हो रहा है राइट. इसका मतलब स्पीड भी कम हो रहा है करेक्ट. स्पीड कम होता है डी एक्स यस तो नहीं लगता सर सच में ग्राफ बोलता है अगर सही से उसको पढ़ने आ गया राइट. इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. और रिटार्डेशन कब होता है एवरीवन सर जब दोनों का साइन अपोजिट रहता है तो वी एक्स अगर पॉजिटिव है कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास मिस कीजिएगा अब मेरा फिजिक्स का क्लास तो कोई नहीं बचाएगा भाई मत मिस कीजिएगा. बहुत सारे बच्चे जैसे होता ना है कि हाँ थोड़ा आज संडे है संडे इज होलीडे तो अगर चूंकि हम लोग वी एक्स का साइन के लिए श्योर हैं वी एक्स पॉजिटिव है तो ए एक्स यहाँ पर निगेटिव रहेगा ड्यू टू दिस वजह राइट. यस इतना बात समझ पाए ओके. जितना आसानी से आपने बात बोल दिया भाई ब्लैंक हो जाता है आदमी. एक्स वर्सेस टी अब पूछ रहे हैं ए एक्स वी एक्स तक तो सही था स्लोप से बता पाते और उसका एक स्टेप आगे का बात पूछ रहे हैं राइट और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसका भी आंसर हम लोग दे पाए. एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देखकर एक्स का साइन बता दिए करेक्ट ना. चलिए बिदार से इसका आंसर आप दीजिएगा ठीक है. ये किसका वर्सेस किसका ग्राफ. चलिए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ वेरी गुड. तो ये इस ग्राफ को पढ़िए और ये आपको पता है कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ से सर लाभ तो सिर्फ स्लोप ही का मिलेगा फिजिक्स में एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं है मीनिंगलेस बात हो जाएगा. तो एक्स वर्सेस टी में आपका एक्स कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओके मतलब स्लोप पॉजिटिव है राइट मतलब वी एक्स पॉजिटिव है लेकिन ये वी एक्स स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है बोलिए. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है राइट. तो एम कांस्टेंट मतलब वी एक्स भी कांस्टेंट एग्री. अब वी एक्स कांस्टेंट मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म. और वी एक्स कांस्टेंट मतलब क्या यहां से बोल सकते हैं स्पीड कांस्टेंट. एक मिनट एक मिनट वी एक्स कांस्टेंट का मतलब स्पीड कांस्टेंट. और स्पीड कांस्टेंट कब रहेगा जब ना ही एक्सेलरेशन रहेगा ना ही रिटार्डेशन रहेगा. ना ही एक्सेलरेशन रहेगा ना ही रिटार्डेशन रहेगा राइट. आपने भाई वी एक्स कांस्टेंट बोल दिया ना और आप तो फिजिक्स का इतना ज्ञान हो गया आपके पास फटाक से दिमाग में आ जाएगा ओके एक्स इक्वल टू तो डी वी एक्स बाई डी टी सर ने पढ़ाया राइट. अरे इसको सर बोल दिए कांस्टेंट तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो राइट. अब तो कैसे भी घुमा फिरा के आंसर दे देंगे. इसका मतलब है वी एक्स कांस्टेंट यहां से भी दे सकते हैं ना वी एक्स कांस्टेंट मतलब एक्स क्या हो जाएगा ऐसी ये भी बात बोल सकते हैं डी वी एक्स बाई डी टी कांस्टेंट क्वांटिटी का. इसका मतलब एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक्चुअल में मैंने यहां से तीन टाइप का ग्राफ लिया. दिस इज द केस ऑफ इनफॉर्म मोशन या नॉन इनफॉर्म सर एक्सेलरेशन है राइट. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन इनफॉर्म मोशन दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ
नॉन इन्फॉर्मेशन। बट अगर आज के बाद एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर ग्राफ है, इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। तो एक मिनट, मैं कुछ भी अभी नहीं हटाने वाला हूँ। एक इसका एग्जांपल, इसको फिगर फर्स्ट बोलते हैं, राइट। इसको फिगर से बहुत बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन होगा तो मैं सबको क्लास नोट्स मंगवाऊंगा कि कैसे कैसे लिखे हैं और क्या क्या कमाल किए हैं। नहीं, चेक नहीं करेंगे, क्लास में जैसे मेरे सामने लिखते रहते थे तो मैं तो देखते रहता था ये लिख पा रहे हैं। अभी तो क्या क्या कहानी बनाए वो मुझे नहीं पता है, तो ऑफलाइन होगा तो एक बार देख लेंगे कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट दिस एग्जांपल ऑफ, अब पटना और पुणे वाले सोच रहे होंगे मैं बच गया, नॉन इनफॉर्म मोस लाइव जूम पे, नहीं जूम भी आकर टेक्निक बहुत बढ़िया हो गया है, नॉन इन्फॉर्मेशन। ये सब ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, सब मेरा इतना तो मुझे आप पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। नॉन इन्फॉर्मेशन, नॉन इन्फॉर्मेशन। और एक इसका एग्जांपल रहेगा फिगर थर्ड, यस। मतलब यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बट फिगर थर्ड में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, एक कहीं पे बॉक्स में लिख लीजिए नीचे। इन तीनों ग्राफ के लिए मैंने बात कर दिया, इसका मतलब एक मिनट, लेट मी फिनिश। इसका मतलब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर कर्व टाइप का हो तो सर किसका कर्व, मुझे नहीं पता है, किसी का भी हो, पैराबोला भी हो सकता है, साइन कॉस भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लेकिन कर्व, राइट, एक्स वर्सेस टी का, तब वो नॉन इन्फॉर्म पक्का रहेगा, इज राइट, क्योंकि स्लोप वेरी करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इन्फॉर्म मोशन का वो एग्जाम्पल रहेगा, वो ग्राफ रहेगा, करेक्ट। एकदम बहुत बड़ा जनरलाइजेशन कर दिए, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कर्व, अब उसमें कन्फ्यूजन है, कर्व का मतलब तो फंक्शन मुझे नहीं पता है, वो साइन का कर्व, कॉस का, टेन का, किसी का भी है, पैराबोला का या एक्सपोनेंशियल का, जितना भी आप फंक्शन जानते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट का या लॉग का, मुझे नहीं पता है। बट अगर कर्व ग्राफ रहेगा तो डैम श्योर नॉन इन्फॉर्मेशन होगा ही होगा, करेक्ट। कंक्लूड कर लिया जाए, कंक्लूजन। तो जितना भी तीनों ग्राफ में हम लोग सीखे हैं उसको वन बाई वन, पहला कंक्लूजन, इफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ, इफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ इज काइंड ऑफ कर्व ग्राफ, अब इसमें कर्व ग्राफ बोल रहा हूं, कुछ बच्चे इसको इस बात को मैनिपुलेट कर लेंगे कि सर ने शायद बोल दिया कर्व मोशन। एक्स वर्सेस टी ग्राफ में अभी भी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही जा रहा है, मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है, राइट, रेक्टिलिनियर ही है, ग्राफ का डायग्राम सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। इफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ इज ए कर्व ग्राफ, कर्व ग्राफ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कर्व ग्राफ का मतलब किसका कर्व, किसी का भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है नेचर वाइज, साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, इज इट राइट। देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो दो ही बात हो सकता है ना, या तो एक्सेलरेटेड नहीं तो डी एक्सेलरेटेड, दो ही बात हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, इफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन का मतलब वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और ए एक्स जीरो रहेगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा,
देन दिस द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अब ब्रैकेट देकर लिखिए, वी एक्स कॉन्स्टेंट ए एक्स जीरो, इट राइट। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या लिखिएगा, वी एक्स कॉन्स्टेंट या वी एक्स वेरिएबल, यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूजन दे रहे हैं, इफ एक्स इज इनक्रीज, नेक्स्ट पॉइंट में कंक्लूजन में, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग स्लोप, देन दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, देन दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड। करेक्ट है एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग विथ इन डिक्रीजिंग स्लोप, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग स्लोप, देन दिस इज द केस ऑफ, क्या बोलेंगे, रिटार्ड। अरे ये बात बोलते ही अगर ऑब्जेक्टिव में एक ग्राफ देखा, देखिए क्वेश्चन कैसे अगर मुझे सेट करना रहेगा, मतलब बस ग्राफिकल, प्योर ग्राफिकल, बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन सेट करना रहेगा, तो मैं ऐसा ग्राफ दे दूंगा। और ये यहाँ देखिए क्वेश्चन में कैसे, इसको हटाएं, एक क्वेश्चन ही सेट कर देते हैं, देखिए ऐसे मानते ही, यही मैंने नीट का एक क्वेश्चन सर, नीट टाइप, नीट या जेई मेन दोनों का मोटा मोटी लेवल सेम ही रहता है, जेई मेन टाइप इसी क्वेश्चन को मुझे बनाना था। इसमें मैं ऑप्शन ऐसे देता, वी एक्स पॉजिटिव ए एक्स निगेटिव, वी एक्स निगेटिव ए एक्स पॉजिटिव, वी एक्स पॉजिटिव ए एक्स पॉजिटिव, अब वी एक्स निगेटिव ए एक्स निगेटिव। करेक्ट, एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन, तब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉब्लम टाइप कर लीजिए और ऐसे लिख लीजिए ऑप्शन, ऐसे आ सकता है। अच्छा स्टूडेंट, हाँ आपका स्कूल, आप लोग का स्कूल ओपन हो रहा है 11th का, और किसी भी कोचिंग वगैरह में क्लासेज 11th का स्टार्ट हुआ है, मैं कैटलिस्ट को छोड़कर जहाँ तक पता कीजिएगा, क्योंकि मैं भी जहाँ तक पढ़ा हूँ 11th, देखिए अगर नहीं भाई 6 सितंबर से पहले तो कोई खोल ही नहीं सकता है, पहली बात, राइट। और कोई भी जिस खोलता है तो लीगल नहीं, इलीगल है। और दूसरी बात है कि अगर सारे कोचिंग क्लासेस एक्ट ओपन करता है, अलाउ करता है, तो मैं बिल्कुल बुलाना स्टार्ट कर दूंगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए मेरे, मुझे तो कुछ करना है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी काउंसलिंग के टाइम पे आए होंगे तो सारे क्लासेस तो रेडी ही है, ये होता ना कि हाँ बेंच लगाना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड कोचिंग चल रही है, तो सब कुछ एवरीथिंग अरेंज्ड है। अब बस मुझे बस इतना करना पड़ेगा थोड़ा प्रिकॉशन के लिए, कि फिजिक्स के तो सारे बच्चों को एट ए टाइम बुलाऊंगा, उसमें ग्रुप नहीं बनाऊंगा, केमिस्ट्री में 2 ग्रुप बना डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 45-45 का,
एक ग्रुप को आज बुलाएंगे तो दूसरे ग्रुप को दूसरे दिन बुलाएंगे। आज जिस दिन ग्रुप ए आएगा उस दिन ग्रुप बी ऑनलाइन करेगा, और जिस दिन ग्रुप बी आएगा उस दिन ग्रुप ए ऑनलाइन करेगा। ऐसे डिवाइड कर लेंगे थोड़ा 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 क्राउड कम होने के लिए, करेक्ट? तो कम से कम मुझसे मिलते तो रहिएगा। अभी एक थियोरम दिए थे वो ऐसे ही, मतलब देखिए कैसे क्वेश्चन को सेट, आप लोग पूछते हैं ना कि सर मिक्स कैसे क्वेश्चन होता है, तो एक थ्योरम अभी मैंने क्या दिया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट, स्पीड ध्यान से देखिएगा, स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का साइन क्या होगा, जरा बता सकते हैं? वेरी गुड। और स्पीड अगर डिक्रीज करेगा तो निगेटिव होगा ना भाई, हाफ एम बी स्क्वायर, राइट? सिंपल सा बात है। और अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो बोलिए सर, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा चेंज इन काइनेटिक जीरो। यस, लिखी हो तीनों चीज। बिल्कुल इस क्वेश्चन को, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अच्छा लगा था क्वेश्चन है। जेई मेन टाइप बोलेगा, ऐसा नहीं कि मैं बोला हूँ जेई मेन में आ जाएगा। देखिए मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया हूँ। इसमें मेंशन कर रहा हूँ ओ से ए तक कर्व है, क्या है स्टूडेंट? और आपको कर्व दिख भी रहा होगा, स्ट्रेट लाइन दिखाया है या कर्व? एक कर्व दिखाया हूँ, ठीक है। और ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन? मैं जानबूझ के ड्रॉ किया था, ए फिर भी लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन है। और बी से सी तक अगेन कर्व दिखाया हूं, राइट? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, ओ से ए तक का वर्क डन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पूछा हुआ था। और ए से बी तक का वर्क डन का साइन, तो सर अभी तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं है, एक लाइन का थ्योरी से का पढ़ाएंगे तो फिर से वहां पे लेंगे। साइन से पूछा गया है वर्क डन का साइन। अब केयरफुली ऑब्जर्व, ओ से ए तक वर्क डन का साइन क्या होगा? वेरी गुड, क्योंकि सर ओ से ए तक का इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप है, राइट? इसका मतलब ओ से ए तक मेरा क्या है, एक्सेलरेटेड है, करेक्ट ना? और एक्सेलरेटेड में स्पीड बढ़ता है, करेक्ट? और स्पीड बढ़ेगा तो डेल्टा के पॉजिटिव रहेगा, राइट? और यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के पॉजिटिव मतलब वर्क डन भी पॉजिटिव है, राइट? कितना स्मार्ट क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज फर्स्ट टाइम कोई अगर दिखा दे एक्स वर्सेस टी देखे वर्क का साइन पूछे तो दिमाग घूमते रहेगा, कैसे होगा, ये तो अभी रेस्ट एंड मोशन में ही है, ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी नजर नहीं आ रहा, राइट? बट एक लाइन का एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं एक लाइन लिखवाया था, कौन सा लाइन बोला था, इस पर मेरे ऊपर भरोसा कीजिएगा, वर्क डन बाय
ऑल द फोर्सेज, करेक्ट, इक्वल टू क्या बोला, और ये एक थ्योरम है वर्क और एनर्जी के चैप्टर में जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये मैंने बोला कि ऐसा होता है, और इतना तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट वर्क रहेगा और डेल्टा के दोनों अगर इक्वल है तो जो डेल्टा के का साइन रहेगा वही वर्क का साइन रहेगा। ओके, अब ओ से ए के बीच में डेल्ट स्पीड कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से बोलना है, तो ओ से ए इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड ना, तो एक्सेलरेटेड रहेगा मतलब स्पीड बढ़ेगा, राइट, और स्पीड बढ़ेगा मतलब डेल्टा के, यस, बहुत सिंपल सा बात था भाई, एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा मतलब डेल्टा के पॉजिटिव, और डेल्टा के पॉजिटिव मतलब डब्लू पॉजिटिव, करेक्ट। बट आप में से सब लोग अगर इतना बात समझ रहे हैं मतलब आप लोग खराब स्टूडेंट नहीं हो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है उसको आप कैच कर लिए, बट उसमें है कि चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा। डब्लू बी ए से बी, अब ए से बी के बीच में मैंने बोल दिया स्ट्रेट लाइन, मतलब सर स्पीड कॉन्स्टेंट, राइट, मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा के जीरो रहेगा मतलब डब्ल्यू भी जीरो होगा, करेक्ट। अब बी से सी इज द केस ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन। नहीं लगता है कि ग्राफ सच में बोलता है, मुझे पढ़ लो मैं आंसर दे दूंगा, राइट, स्पीड डिक्रीज है मतलब डेल्टा के रिटार्डेशन, यहाँ पे लिख देते हैं रिटार्डेशन। ये सारे चीज़ों को बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा एवरीवन। डेल्ट स्पीड डिक्रीज होगा मतलब डेल्टा के निगेटिव मतलब डब्लू निगेटिव, समझे। क्या बोले, फिर से जोर से बोलिए। ए से बी में क्या लिखे हैं, ए से बी के लिए स्पीड कांस्टेंट ना, यस, नो एक्स, मतलब ए टू बी स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्स जीरो, राइट, मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इनफॉर्म मोशन, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एग्री ना। चलिए यहाँ तक मतलब अब हम लोग कम से कम एक सभा से टी के ग्राफ को पढ़ पाएंगे, राइट, समझ सकते हैं, यस। अब इसको हटाइए, हो गया है एवरीवन, इसको हटाएं, आपका जो सितंबर में किसी स्कूल में एग्जाम है तो फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है, भाई मोशन या स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए, मोशन या स्ट्रेट लाइन पर पढ़ा रहे हैं, राइट, एक कौन सा नहीं पढ़ा रहा है, मोशन या स्ट्रेट लाइन, इज इट राइट, कोई भी फॉर्म में आएगा तो क्या आप ज़्यादा 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 डिपेंड गूगल पे रहना है या खुद पे रहना है, पढ़ाने के बाद भी क्यों गूगल पे डिपेंड करेंगे भाई, हमको खुद को इम्प्रूव करना है ना, बिल्कुल ये काम नहीं करना है, मैक्सिमम जितना हो सके उतना खुद से बनाइए, खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, हाँ स्कूल का एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा स्कूल का
मार्क्स भी देखना पड़ता है, उसके लिए अपना जो भी करना है उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट आई विल सजेस्ट यू कि कैटलिस्ट के एग्ज़ाम के लिए ऑनेस्ट रहना है। बाकी जहाँ पे जो करते हैं वो आपका लुकआउट है और करना भी पड़ता है, मजबूरी भी है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि स्कूल में पेरेंट मीट होता है प्लस उसका मार्क्स बोर्ड में इफेक्ट करता है। तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि हाँ हम लोग बहती गंगा में हाथ नहीं धोए हैं, ऑब्वियसली किए हैं भाई, ये मतलब कहीं पे भी अगर ऐसा है तो सर्वाइवल के लिए कुछ करना पड़ता है। अब ये बोलूँगा कि नहीं लाइफ में मैंने कभी चीटिंग किया ही नहीं, बिल्कुल किया होगा कभी भाई, मजबूरी रहा होगा। जैसा देश वैसा भेस, आज का जमा नहीं तो अगर ऐसा है तो ऐसा करना है भी है, मैं इस बात के लिए आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, बिल्कुल बचाना पड़ेगा ना खुद को। राजा हरिश्चंद्र बनने से काम चलेगा, जमाना है राजा हरिश्चंद्र का। गूगल कीजिएगा फिर, मतलब सत्यवादी कोई जो कभी झूठ नहीं बोलता। चलिए एक ध्यान से चीज देखिएगा, 1 कांस्टेंट राइट। अब एक बात देखते हैं, 1 कांस्टेंट करेक्ट है ना एवरीवन, तो 1 कांस्टेंट और नॉट इक्वल टू 0 भी बोल रहा हूँ, कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है, तो इसका दो ही बात हो सकता है, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव करेक्ट। बातों को समझिएगा, दो ही बात हो सकता है, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव, लेकिन जो भी है कांस्टेंट है। तो आप लोग को याद है डेल्टा एक्स इक्वल टू एक फार्मूला था यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और ये फार्मूला किसके लिए लगाते थे, कांस्टेंट के लिए। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, करेक्ट एवरीवन। एक एक्स वर्सेस टी का कैसा इक्वेशन सर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट व्हाट, वेरी गुड। और पैराबोला का कॉनकेविटी कौन डिसाइड करता था, हु इज गोइंग टू डिसाइड द कॉन्केविटी ऑफ पैराबोला सर, टी स्क्वायर का कोफिशियंट राइट। इसका मतलब ये तो पता हो गया कि कौन एक पैराबोला रहेगा, बट टी स्क्वायर का कोफिशियंट है ए एक्स बाई टू राइट। अगर ए एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग अब इसमें दो, इस केस के लिए बात कर रहा हूँ, अब इसमें यहाँ के बाद यहाँ तक लिखिए फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा तो क्या एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का नेचर क्या ऐसा होगा ऊपर की तरफ, यस। अब यहाँ देखिए डेल्टा एक्स वर्सेस टी, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, तो जेई मेन में बहुत बार कभी एक्स वर्सेस टी का ग्राफ पूछ लिया गया है, कभी डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ पूछ लिया गया है। अब बच्चे को क्या लगता है कि वो एक्स वर्सेस टी और डेल्टा एक्स वर्सेस टी को एक ही मान लेते हैं, एक्स एक्स क्या है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस इज इट राइट, और डेल्टा एक्स क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्स ये है एक्स वर्सेस टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, समझ में आया आप लोग को।
डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। ओके, बट ए भी तो क्वाड्रेटिक हो गया, और इस केस के लिए अगर ए एक्स पॉजिटिव है तो इसका भी तो नेचर ऐसा ही रहेगा मोर ऑर लेस। ओके, यहाँ तक आ जाइए, ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। हो गया, अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली मैंने ये एक्स कांस्टेंट मान के सिखाया, करेक्ट? मैंने क्या सिखाया, एक्स कांस्टेंट मानकर। बट आज के बाद यहाँ से सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने एक कांस्टेंट माना, उसको पॉजिटिव बना दिया, ताकि आपको सच में लाइक नहीं इसका ऊपर की तरफ था। बट इवन इफ एक्स पॉजिटिव है, और इवन पॉजिटिव और अगर वेरिएबल, क्या बोला, पॉजिटिव और वेरिएबल रहेगा, तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कॉनकेव अप ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? कॉनकेव अप, ऐसा ही शेप मिलेगा, करेक्ट एवरीवन? अब उसमें समटाइम्स क्या हो सकता है कि ए से बी तक रहेगा, तो ए से बी तक में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें एक्स वर्सेस टी का एक्स ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली ए से बी के बीच में डिक्रीज कर रहा है, राइट? बट डिक्रीज करने का भी तरीका तो तीन रहता ना, करेक्ट? एक्स का डिक्रीज करने का तरीका मैथमेटिक्स में रहा था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी और ऐसा भी, राइट? बट अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा तो उसमें कैसा, ऐसा, राइट? उतना छोड़िए, ऐसा देखिए, अब कॉनकेव अप से इस पार्ट को, राइट? ऐसा दिखेगा, तो एक ए वाला पार्ट किसके साथ मैच करता है, इसके साथ, राइट? इसका मतलब मैंने जनरलाइज कर दिया, अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, अगर कंप्लीट ग्राफ का बात किया जाए तो ऐसे ही नजर आएगा, कॉनकेव अप की तरफ, राइट? अब सम टाइम्स ड्यू टू सम मजबूरी पूरे ग्राफ पर का कुछ पार्ट दिखाना रहता है, तो मानते हैं ए से बी तक का पार्ट, ए से बी तक का पार्ट रहेगा जिसमें एक्स कम हो रहा है, तो कम इस तरीके से होगा अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट एवरीवन? और कहीं पे अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो इस तरीके से, इंक्रीज करने का भी तो तीन ही शेप था, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इंक्रीज करेगा तो इसमें देखिए, तो एक्स पॉजिटिव में ए वाला पार्ट कैसा है, दिस वन, राइट? एकदम क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब मैंने पहले सिखाया आपको किसका, एक्स कांस्टेंट और पॉजिटिव का, और यहाँ से सिखाने के बाद जब आपको बिलीव हो गया कि नहीं ऐसा ही होता है, तो मैं इसको जनरलाइज कर दिया कि इवन इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वेरिएबल, कांस्टेंट के लिए बात किए थे, पर अगर वेरिएबल भी रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का शेप ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एक मिनट रुकिए एवरीवन, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है स्टूडेंट, ऐसे आया हुआ था क्वेश्चन, एक्स वर्सेस टी का ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं बोला गया था, और तब एक्स का साइन पूछा गया था, एक्स का साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, एक ऑप्शन ए पॉजिटिव रहेगा, या जीरो रहेगा, या नॉन ऑफ दीज रहेगा, तो भाई ये तो पहले ही सिखा दिया, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर कर्व है, ग्राफ है कैसा है, कर्व है, मतलब एक्स तो जीरो नहीं रहेगा, राइट? और अगर जीरो नहीं रहेगा तो ये तो ऑप्शन से हट गया, तो या तो पॉजिटिव रहेगा नहीं तो निगेटिव रहेगा, राइट? लेकिन आज के बाद अगर कॉनकेव अप रहेगा तो एक्स पक्का पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट ना? बट इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से दिया आपको, इसका कॉन्फिडेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर से भी बता दिया है, याद रहेगा सबको, एवरीवन? आगे बढ़ा जाए, कंक्लूड कर लिए, इसका मतलब इसमें एक्स पॉजिटिव कॉनकेव अप,
एक्स पॉजिटिव, राइट, चलिए अब हम लोग एक्स कांस्टेंट और निगेटिव, तो फाइनली यहाँ तक आए थे ना, यू एक्स टी अ प्लस एक्स नॉट, इज इट राइट भाई? एक ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक पैराबोला होना चाहिए, राइट, बट टी एस आर कोफिशियंट इसके लिए निगेटिव, राइट, मतलब कॉनकेव डाउन, करेक्ट ना, कॉनकेव डाउन। ये बात यहाँ देखिए, कॉनकेव डाउन, मैंने बोला कॉनकेव डाउन, मैंने ये नहीं बोला कि इस कॉनकेव डाउन में भी तीन पार्ट है भाई, ए से दो पार्ट है, ए से बी और बी से सी, राइट। देखिए ए से बी तक एक्स बढ़ रहा है, एग्री, इंक्रीजिंग, बी से सी तक एक्स घट रहा है, डिक्रीजिंग, राइट। तो ए से बी तक एक्स इंक्रीजिंग और बी से सी तक एक्स डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये पूरा जो पार्ट है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कम्बिनेशन है, हाफ ऑफ द पार्ट इंक्रीजिंग, यहाँ तक यहाँ देखिएगा, और हाफ ऑफ द पार्ट डिक्रीजिंग, एग्री। लेकिन इसमें तो एक्स क्या था, निगेटिव ना, निगेटिव, इसका मतलब हो गया सर कि आज के बाद अगर एक्स निगेटिव रहेगा तो उसका एक्स प्लस टी का ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा जो भी रहेगा, राइट। तो ए तो हम लोग एक्स कांस्टेंट और निगेटिव के लिए, बट इसी को जनरलाइज कर रहे हैं, इवन इफ एक्स इज वेरिएबल बट निगेटिव, तब भी एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कैसा रहेगा, कॉनकेव डाउन ही रहे, ठीक है, याद कर लीजिए, हो गया एवरीवन। अब इस पे थोड़ा सा डेमो देते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, ये तो याद रहेगा ना, एक्स वर्सेस टी के लिए बात बोल रहा हूँ, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कॉनकेव डाउन मतलब एक्स निगेटिव थ्रू आउट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इज इट राइट। और अगर एक्स पॉजिटिव का ग्राफ कॉनकेव अप मतलब एक्स पॉजिटिव, प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगा भाई, यहाँ देखिए सब लोग, एक्स वर्सेस टी, ए है ए, ए है बी, ए है सी, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, ए से बी, मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ एवरीवन, ठीक है, पहला एक्सलरेटेड, पूरा क्वेश्चन सुनिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन रिटार्डेशन मतलब डी एक्सलरेटेड, राइट, थर्ड ऑप्शन यूनिफॉर्म मोशन, इनफॉर्म मोशन मतलब एक्स जीरो का बात कर रहे हैं, राइट, डी हम लोग का फेवरेट, नॉन ऑफ दिस। अब देखिए एक, अब हम लोग ग्राफ को पढ़ पा रहे हैं, एक कॉनकेव डाउन का ग्राफ है मतलब एक्स तो निगेटिव रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए से सी थ्रू आउट ईच एंड एवरी पॉइंट पे, राइट। तो एक्स तो निगेटिव बट ए से बी तक भी एक्स तो पॉजिटिव है भाई, क्योंकि हम लोग बात ए से बी तक का कर रहे हैं, तो ए से बी तक भी एक्स क्या है, देखिए ध्यान से, भी एक्स क्या है, पॉजिटिव, भी एक्स है पॉजिटिव, दिमाग ओपन रखना है, भी एक्स है पॉजिटिव, राइट, और एक्स है निगेटिव, कहानी खत्म, राइट। ये किसका केस था, रिटार्डेशन होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो आकर भी एक्स जीरो होने वाला है, क्योंकि स्लोप जीरो हो गया, राइट,
तो अब समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। जैसे लोग बोलते रहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई पढ़े ठीक से नहीं हो, पढ़ने के टाइम पे क्लास बंक कर दिए, जेई मेन और नीट का एग्ज़ाम ऐसे कोई खेल तो है नहीं, और आईआईटी का एग्ज़ाम कि बैठे और हो जाएगा, तो बाकी उन सब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा जो 2 साल सुबह शाम लगे हुए हैं, राइट। तो अब इस टाइप का, अब हम लोग इसको समझ गए, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ग्राफ पे अगर आएगा तो आप अब तो आप आंसर दे पाएंगे। ये सारी बातें जो सिखा रहे हैं ना, की पॉइंट, ये सब शॉर्ट नोट्स में रखना है, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे याद आ जाएगा, ये सब शॉर्ट नोट्स में रखना है। दिया था कंक्लूजन, दिया था गोल्डन पॉइंट, ओके। और इसी को, इसको हटाएं इस तरफ, नहीं था एक्स वर्सेस टी पर ही सर बात करने के लिए बहुत कुछ था। और बी से सी तक अगर रहता है क्वेश्चन, तब कौन सा ऑप्शन होता है सेम क्वेश्चन के लिए? यस, तो सर एक्स तो निगेटिव था ही, वी एक्स भी निगेटिव हो गया, राइट। तब मेरा आंसर रहता करेक्ट आंसर, इसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता, करेक्ट आंसर रहता, आंसर इज ए, एक्सलरेटेड, राइट। क्यों एक्सलरेटेड? साइन पॉजिटिव हो गया, राइट। दोनों, सॉरी, दोनों का साइन सेम हो गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि हम लोग इस दुनिया से बाहर निकल पाए। पहले पूछते थे एक्स पॉजिटिव सर एक्सलरेशन, एक्स निगेटिव रिटार्डेशन, इसी दुनिया में थे ना आप लोग, पहले तो यहां से बाहर निकाला, उसके बाद ये सब सिखाना स्टार्ट किया, राइट। अब बहुत छोटा छोटा बात को तोड़कर, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास को यहाँ पे ही विराम दीजिए, आज टीचर डे भी है और थोड़ा आप लोग को रेस्ट भी मिल जाएगा। एंड आज का क्लास थोड़ा हेक्टिक भी रहता है, आपका 2 बजे तक क्लास है, राइट। और आज रात में भी तो एक क्लास है 9 बजे से, क्लास फॉर स्कूल एग्जाम का, बहुत क्लास आप लोग को मिल गया, नहीं बहुत मैक्सिमम क्लास हो चुका है, इतना क्लास पहले देता ही नहीं था, इतना क्लास रिक्वायरमेंट ही नहीं था।